चुड़ैलों का जादुई मैंगो हाउस। जैसे जल मछली का जीवन है, वैसे ही सांसें तुम इंसानों का जीवन है। अब देखो कैसे मैं तुम दोनों इंसानों से तुम्हारी सांसें छीन कर तुम्हें जान से मारती हूँ। छोड़ दो हमें, अरे मत मारो, जाने दो हमें यहाँ से, हम फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरी बार इस दुनिया को देख लो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों आदमियों की गर्दन धड़ से उखाड़ कर अलग कर देती है और उन्हें मार कर बोलती है, लालच करने वालों की यही सजा है। जो भी इंसान मेरे इस जादुई मैंगो हाउस को पाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से अपने जादुई मैंगो हाउस के अंदर चली जाती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात दो सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी सौदागर अंबर बोलता है, बस कैसे भी करके एक बार ये जंगल जल्दी से पार हो जाए, फिर उस पहाड़ का सारा खजाना हमारा होगा। हाँ सही कहा, फिर उसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर चुड़ैल के जादुई मैंगो हाउस और आम के पेड़ पर पड़ती है। जंगल में अद्भुत घर को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अचंभित होकर हर्षवर्धन बोलता है, अरे इस घने जंगल में आम का पेड़, वो भी इकलौता, और इससे भी आश्चर्य कर देने वाली बात कि यहाँ एक मैंगो हाउस है जिसमें से जूस निकल रहा है। हाँ सही कहा, ऐसा दृश्य तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। आज से मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। मुझे तो ये मैंगो हाउस जादुई लग रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद वह दोनों घोड़े से नीचे उतरकर घर के अंदर जाते। अंदर के नजारे को देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि घर के अंदर हर एक कोने में सोने के ढेर लगे होते हैं। तभी अंबर बोलता है, अरे बाप रे इतना सारा सोना, जिस मकसद से हम घर से निकले थे वो मकसद तो हमारा यही पूरा हो जाएगा। अब हम इन सब चीजों को यहाँ से ले जाकर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। तो फिर देरी कैसी, चलो मिलकर इन सब चीजों को समेट लेते हैं। इतना बोलते ही दोनों सोने को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल आकर बोलती है, अच्छा तो अब तुम दोनों मेरा खजाना चोरी करके यहाँ से ले जाना चाहते हो। पर मूर्ख इंसानों, तुम खजाने की लालच में अंदर आ तो गए, पर यहाँ से जिंदा वापस लौट कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल को सामने देखकर उनकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं और चुड़ैल की बातों को सुनकर उनका दिल दहल जाता है। तभी डरते हुए हर्षवर्धन बोलता है, देखो अब मानते हैं कि लालच में आकर हम तुम्हारा खजाना चुरा रहे थे, लेकिन अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे, अब ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। जरा देखो तो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, लेकिन मैं बता दूं कि मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ सजाए मौत है, और वो मौत तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोलते ही चुड़ैल अपने हाथों से उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक शाम किशोर सब्जी की टोकरी सर पर उठाए जंगल के रास्ते से घर लौट रहा होता है। तभी वो खुद से बोलता है, आज बाजार में एक भी सब्जी नहीं बिकी और आज फिर से मेरी बीवी बच्चे को भूखे सोना पड़ेगा। किशोर खुद से बोलते हुए जा ही रहा होता है कि उसी वक्त उसकी नजर चुड़ैल के मैंगो हाउस पर पड़ती है, जिसे देखकर किशोर बोलता है, अरे मैंगो हाउस, इस पर तो मेरी नजर कभी गई ही नहीं। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, इसमें से जूस निकल रहा है, क्यों ना मैं इस जूस को थैले में भरकर घर ले जाऊं, इससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भर जाएगा। इतना बोलकर किशोर उस जादुई मैंगो हाउस के पास जाता है। जैसे ही किशोर जूस को थैले में भरने लगता है कि तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजे को खुलता देख किशोर उस घर के अंदर प्रवेश करता है। चारों तरफ सोने को देख कर एक सोने का सिक्का उठा लेता है। सिक्का उठाते ही उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तू भी उन सभी इंसानों की तरह निकला, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैंने उन लोगों को मारा वैसे तू भी मरेगा। मत मारो मुझे, तुम लोगों को क्यों मार रही हो बताओ मुझे। तू जानना चाहता है तो सुन,
जौनपुर गांव में शिखा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके दो दिन बाद ही उस घर का मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। उनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता, जिस वजह से वह जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखते हैं जो जख्मी हालत में होते हैं। उन्हें देखकर शिखा उनके पास जाकर बोलती है, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ दुष्ट इंसान मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं एक सिद्धि पुरुष इंसान हूँ और मैंने बहुत तपस्या करके इस बीज को बनाया है। ये जादुई आम का बीज है। अगर तुम इसे जमीन में बोकर पेड़ बना दोगी और इस पेड़ से जो भी मांगोगी वो तुम्हें देगा। तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इतना बोलते ही बाबा दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद शिखा उस बीज को मिट्टी में दबा देती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ उग जाता है। और शिखा बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, हमारे पास घर नहीं है, कृपया आप हमें रहने के लिए घर दे दीजिए। शिखा के इतना बोलते ही वहाँ पर जादुई मैंगो हाउस बन जाता है, जिसमें शिखा अपनी माँ के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे ये बात गाँव के सभी लोगों को पता चल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब शिखा पेड़ से आम तोड़ रही होती है कि तभी विक्रम और उसके दो गुंडे शिखा को घेर कर खड़े हो जाते हैं और विक्रम बोलता है, सुना है आजकल तू बहुत राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन अब और नहीं, तू चुपचाप से ये घर हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बुढ़िया माँ को जान से मार दूंगा। मेरे पास बस यही घर है, अगर तुमने ये भी ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं वो घर तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहावत सही कही है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब मैं भी वही करूंगा। जिसके बाद विक्रम के दोनों गुंडे शिखा की माँ को घसीटते हुए घर से बाहर लाते हैं और फिर शिखा और उसकी माँ को रस्सी से बांध कर पेड़ पर लटका देते हैं और विक्रम एक ही झटके में रस्सी खींच देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। और तभी से मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लोगों को मार कर ले रही हूँ। मैं मानता हूँ जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो अपने इंतकाम की आग में जलकर बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाला, क्या वो सही है? किशोर की बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत होने का एहसास कराया, इसलिए मैं अपने पश्चाताप के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।